सो आज की हमारी स्टोरी नेटफ्लिक्स में बहुत ही ट्रेंड कर रही है। इस स्टोरी का नाम है द मजिशियंस एलिफेंट। ये स्टोरी एक ऑर्फन बच्चे के लाइफ के बारे में है जो कि अपनी बहन को ढूंढ रहा है, और इसकी बहन इससे बचपन में ही बिछड़ गई थी, और इसका जो गार्जियन है जो कि रिटायर्ड सोल्जर है जिसकी अब काफ़ी एज हो चुकी है, वो पीटर से बोलता है कि तुम्हारी बहन अब जिंदा नहीं रही। उसे काफ़ी उम्मीद रहती है कि उसकी बहन अभी जिंदा होगी। सोल्जर है वो उसे हर रोज़ एक सिक्का देता है और बोलता है कि सबसे छोटी जो मछली होगी वो लेके आना और एक बासी ब्रेड लेके आना, क्योंकि अगर हम ये चीज़ खाएंगे तो हमारी सेहत हमेशा बनी रहेगी। और पीटर की लाइफ ऐसी होती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है एक सोल्जर की तरह, और बचपन से ही उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल में रखा जाता है। वो निकल पड़ता है अपने गार्जियन के लिए और अपने लिए डिनर के लिए फिश और ब्रेड लेने, और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो रोज़ की तरह वो बोलता है कि मुझे एक छोटी मछली चाहिए। हालांकि जो वहाँ का शॉपकीपर होता है वो उसे एक अच्छी बड़ी मछली देता है, बोलता है ये तुम ले जाओ, बहुत ही अच्छी मुझे मिली है और इतने ही एक ही सिक्के में मैं तुम्हें इस मछली को दे दूंगा। पर वो बोलता है कि नहीं, मुझे यही मछली चाहिए, छोटी वाली ही मछली चाहिए, क्योंकि मुझे यही कहा गया है, मेरे सर ने यही कहा है कि मुझे छोटी मछली लेके आनी है। वो सिक्का बाहर निकालता है तो उसका जो कॉइन होता है वो गिर जाता है और काफ़ी दूर तक चलत, और बहुत सी जगह वो ऐसा होता है कि बचता है, और फाइनली उसके सामने उसका सिक्का होता है। और जैसे ही वो उस अपने सिक्के को उठाता है उसके बाद वो सामने देखता है एक नया टेंट लगा रहता है, और उस टेंट पे लिखा रहता है कि आपके जो भी सवाल है उसका आंसर मिलेगा सिर्फ एक कॉइन से। तो अब वो देखने लगता है उस कॉइन को कि क्या मैं डिनर लेके जाऊं या अपने सवालों का जवाब। तो वो काफ़ी सोचता है, पहले तो वो सोचता है कि नहीं मैं डिनर लेके जाऊंगा वापस, और फाइनली वो रेजिस्ट नहीं कर पाता और उसके बाद वो अंदर टेंट के चले जाता है। टेंट के अंदर वो जैसे ही जाता है तो जिस तरह से वो टेंट बाहर दिख रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो ऐसा लगता है कि एक बहुत ही आलीशान एक रूम, और वहाँ पे पहले सामने कोई नहीं रहता, और जैसे ही वो देखता है तो अचानक से एक जादूगरनी उसे वहाँ दिखती है, और वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने आए हो उसका आंसर तुम्हें मिलेगा सिर्फ एक कॉइन से, सो मुझे एक कॉइन दो और तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं तुम्हें दे दूँगी। फिर वो सोचता है कि वापस चले जाऊँ, पर बाद में वो उसे एक कॉइन दे देता है, और वो उसे ये बोलती है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन तुम्हें करने को मिलेगा एक पॉइंट में, और तुम्हें ये चीज़ बहुत सोच समझ के क्वेश्चन करना है कि आखिर तुम्हें किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो वो बहुत ही सोचता है, और उसके बाद वो एक क्वेश्चन करता है। उसका क्वेश्चन ये होता है कि मैं अपनी बहन को किस तरह ढूंढूं। तो उसके बाद पहले तो उसे कुछ यकीन नहीं होता, पहले तो वो सोचता है कि ये ऐसे ही झूठ बोल रही है और ये सिर्फ एक कॉइन ले लेगी और मुझे कुछ भी बता देगी। पर जब वो जादूगरनी सारी चीज़ें बताती है, उसे उसकी फैमिली के बारे में बताती है और ऐसी चीज़ें जो उसे पता भी नहीं है, और साथ ही साथ उसने उसके गार्जियन के बारे में वो जब बताती है तो उसे यकीन होने लगता है कि नहीं, ये सच बोल रही है और ये मुझे अपने सवालों का जवाब दे। तो इसके बाद पीटर उसे क्वेश्चन करता है कि मेरी बहन कहाँ है, मैं
उसे कहाँ ढूंढू, तो वो आंसर देती है कि एलिफेंट को फॉलो करो। फिर वो कहता है कि एलिफेंट को फॉलो करूं, एलिफेंट तो यहाँ पे है ही नहीं। तो वो बोलती है कि यहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है, जैसा पहले था बाल्टीज विलेज, उस विलेज का नाम बाल्टीज होता है। तेरे को उस जादूगरनी पे विश्वास हो जाता है, तो वो ये सब बात जाके अपने घर पे बताता है और उसका गार्जियन बोलता है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वो एक फेरी टेल की बुक देता है उसे, और वो फेरी टेल की बुक डे स्मिथ की रहती है, जो कि उसके गार्जियन का जूनियर होता है। और उसके बाद उसका गार्जियन ये बोलता है कि फिर से मार्च पास करो, तो वो डिनर के टाइम मार्च पास करने लगता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग किराए के घर पे रहते हैं, और सबसे ऊपर वाला जो रूम रहता है वो रूम इन्हें किराए पे दिया गया है। और उसके बाद इसके जो मकान मालिक है वो पर और वो लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उसका जो ओनर है वो उसे बुलाता है पीटर को, और फिर उसे पूछता है कि क्या हो गया, क्यों इतने उदास हो। तो वो सारी बात उसे बताता है, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका ओनर उसे सपोर्ट करता है। और उसके जो ओनर की वाइफ है वो बोलती है कि ये सारे फेरी टेल्स हैं, व्हाट इफ से मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारे। सो एक सीन ये दिखाया जाता है कि वहीं पे शहर में एक मैजिक शो हो रहा था, और लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, को बिल्कुल भी मैजिक पे भरोसा नहीं था। हालांकि वो जो मैजिशियन था वो इतना अच्छा नहीं था अपने काम पे, और जब उसने देखा कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और वो बहुत ही दुखी हो गया, तो उसने एक स्पेल यूज करने का डिसीजन लिया, और उसने उसके लिए एक वॉलंटियर को बुलाया। बट उसका जो स्पेल था वो मिस स्पेल हो गया, और उसके कारण एक एलिफेंट वहाँ पे उस स्टेज पे जाके गिरा, और एलिफेंट जो था वो वॉलेंटियर के पैर को क्रश करके। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि पीटर सो रहा है और सपने में वो देख रहा है कि वो अपने फैमिली से मिलता है। और जब वो सुबह उठता है तो एक लेडी, जब वो बाहर जाता है मार्केट में, तो एक लेडी बात कर रही होती है एक एलिफेंट की। और फिर पेपर में आता है कि एक एलिफेंट एक मैजिशियन के कारण शहर पे आ गया है। उसके बाद वो बहुत ही खुश हो जाता है, उसको एक नई उम्मीद मिल जाती है, और उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन अब जिंदा है। मैजिशियन को जेल में डाल देती है, क्योंकि इसके कारण उसके पैर जो है, जो पैर है वो टूट गए थे। और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि जो पीटर का ओनर है वो चाहता है, डचेस से बोलता है कि उस एलिफेंट को छोड़ दीजिए, पर डचेस ये बोलती है कि टाउन के लिए खतरा है और इसे हम मार देंगे। उसकी कोई उम्मीद नहीं बचती, तो वो एक लेटर लिखता है जिसमें कि उसने बोला है कि यहाँ पे एक एलिफेंट आ गया है और आपको यहाँ अपने शहर आना पड़ेगा। तो अगले ही दिन किंग आ जाता है वापस अपने किंगडम में, और इसी के साथ पीटर भी आ जाता है अपने ओनर के साथ एलिफेंट को लेने के लिए। पर वहाँ पे एलिफेंट को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में पेंट लगा होता है, वो पेंट उसकी आंखों में भी जाता है, और जिससे उसे तकलीफ होती है। पेंट के कारण उस एलिफेंट की आंखें चुभती है, और वो अपने सून से उसे साफ करने की कोशिश करती है और बहुत परेशान होती है। और लोग वहाँ पे डर जाते हैं कि ये क्या कर रही है, और उस एलिफेंट को गोली से मारने का आदेश मिलता है। और यहीं पे आता है पीटर, और वो उस एलिफेंट को देखता है, और उसके उसका जो उसकी जो आंखें हैं उसमें पेंट लगा होता है, तो वो एक कपड़े से उसे साफ कर देता है। और फिर वो एलिफेंट इशारा करती है कि उसे वो
वो बाल्टी चाहिए और पूरे पेंट को निकाल लेती है। उसके बाद क्वीन बोलती है, पीटर को बोलती है कि तुम इस एलिफेंट का ख्याल रख सकते हो और तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए। पर पीटर ये बोलता है कि नहीं, मैं इस एलिफेंट को लेके जाना चाहता हूँ। इस पे किंग बोलता है कि तुम्हें अगर ये एलिफेंट चाहिए तो तुम्हें कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे और अगर इन टेस्ट में तुम पास हो जाओगे तो एलिफेंट को तुम ले जा सकते हो। फिर पीटर के काफ़ी सारे इम्तिहान चालू हो जाते हैं और जिसमें वो एक एक करके पास होते जाता है। पहले तो उसे एक सोल्जर के साथ लड़ना होता है, तो वो जब वो उस सोल्जर से लड़ रहा होता है तो उसका जब नाम पुकारा जाता है देशमुख, तो उसे याद आ जाता है कि ये देशमुख तो वही है जो उसके गार्जियन का जूनियर था। और वो उसे एक बुक ला के देता है और फिर पीटर फाइट जीत जाता है। दूसरे टेस्ट में उसको फ्लाई करना होता है और सिल्क के क्लॉथ से वो एक पैराशूट बनाता है और वो वहाँ से सेकेंड टेस्ट पास कर लेता है। थर्ड टेस्ट जो कि सबसे मुश्किल होता है वो ये होता है कि उसे डजेस को हंसाना होता है। और यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि डजेस कभी भी नहीं हंसती। और जब किंग पूछता है कि डचेस क्यों नहीं हंसती है कभी, तो उसे बताया जाता है कि जब से उसका भाई वॉर पे ख़त्म हो गया तब से उसकी हंसी गायब हो गई। तो वो यही डिसाइड करता है कि पीटर को मैं ये टास्क दूंगा। और फिर पीटर कोशिश करता है बट वो कामयाब नहीं हो पाता है। और यहाँ पे आती है वही जादूगरनी जिसने उसे उसका फॉर्चून बताया और वो वहाँ पे अपनी बिल्ली के साथ आती है और उस बिल्ली के ऊपर वो कुछ नमक जैसे छिड़कती है और जिसके कारण जो एलिफेंट है उस एलिफेंट को छींका जाती है और जो किंग होता है उसके ऊपर पूरा वो पूरा गंदा हो जाता है देख के। फिर डचेस हंसने लगती है। तो लास्ट वाला जो टास्क था उस तरह से सॉल्व किया और फिर पीटर को एलिफेंट मिल जाता है साथ ही साथ। पर अब उसका जो एम था वो अपनी फैमिली को ढूंढने की जगह एलिफेंट की फैमिली में एलिफेंट को पहुंचाने का एम हो जाता है। तो वो बोलता है इसे वापस अपनी फैमिली पे पहुंचाना और इसके लिए फिर मैजिशियन से बोला जाता है। मैजिशियन बोलता है कि आप लोग तो मैजिक पे विश्वास ही नहीं करते थे, इसीलिए मैंने ये स्पेल किया था, ये स्पेल गलत हो गया और इसी कारण वो यहाँ। फिर सबको इसे समझाते हैं कि नहीं, अब ये पहले जैसा हो गया है, ये विलेज और हम सभी को मैजिक पे बिलीव है। गार्जियन आती है तो वो दोनों समझ जाते हैं कि ये बच्चे भाई बहन हैं और इसी तरह से ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं और इनकी फैमिली काफ़ी खुश और उनकी फैमिली काफ़ी खुशी से रहती है। सो ये मूवी काफ़ी अच्छी और फैमिली के साथ देखने लायक है। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एंड टेक केयर।